तो वेलकम बैक। आईपीओ का टाइम आ चुका है। टाटा टेक्नोलॉजी फ्लेवर ऑफ द सीजन यहाँ, यस, एक अच्छी कमाई का मौका आप सभी के लिए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन हैं आप सभी के, जिनका मैं आज रिप्लाई देना चाहता हूँ। जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। आपको एप्लीकेशन कैसे लगानी है और उनसे रिलेटेड आपके क्या क्वेश्चन हैं जो मुझे सोशल मीडिया पे अभी मिले हैं, मैं उन सब पे आपको बात करके आपको एक क्लैरिटी देने की कोशिश करता हूँ। तो आपका पहला क्वेश्चन है, क्या एक इन्वेस्टर एक पेन नंबर पे शेयर होल्डर कोटा और जनरल कोटा दोनों में लगा सकता है क्या? यस, यदि आपके पास 12 तारीख की डेट में शेयर्स थे तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। फिर भी यदि आपके कोई कन्फ्यूजन है या आपने 12 को ही लिया है तो आप कन्फ्यूज ना हो। मैं जल्दी ही एक ऐसा लिंक डाल दूंगा जो कंपनी की तरफ से आएगा और वो बताएगा कि कौन कौन शेयर होल्डर एलिजिबल है। उस लिंक से जब आप क्लिक करके और पेन नंबर डालेंगे तो वहाँ आपको पता लग जाएगा कि क्या आप एलिजिबल हो या नहीं हो। यहाँ एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी शेयर होल्डर कोटा में एप्लीकेशन लगाएं, जिस डीमेट अकाउंट में शेयर है उसी डीमेट अकाउंट से एप्लीकेशन को लगाएं, दूसरे डीमेट अकाउंट से नहीं लगाएं। रिटेल का पोर्शन या जनरल पोर्शन में यदि आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो उस डीमेट को डबल यूज कर सकते हैं या दूसरा डीमेट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन शेयर होल्डर कोटा में एप्लीकेशन लगाने के लिए दूसरे डीमेट को यूज नहीं करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या शेयर होल्डर कोटा में 2 लाख या इससे ज़्यादा की एप्लीकेशन लगाई जा सकती है? बिल्कुल नहीं। शेयर होल्डर कोटा में सिर्फ और सिर्फ 2 लाख के नीचे की एप्लीकेशन लगाई सकती है और यहाँ के केस में 1,95,000 रुपये की आपको एप्लीकेशन लगानी है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, शेयर होल्डर कोटा में प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट मिलेगा। तो हो सकता है वो पुराना सिस्टम है जिसमें एक प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट मिलता था, तो यदि आप 13 टाइम एप्लीकेशन लगा रहे हैं और इश्यूज 6 टाइम ही हुआ तो आपको 2 लॉट अलॉटमेंट मिल सकते हैं। इसलिए आप शेयर होल्डर कोटा में मैक्सिमम एप्लीकेशन लगाइए। मैक्सिमम का मतलब है 1,95,000 रुपये। जबकि रिटेल कोटा में आपके पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं, या तो आप 15,000 की लगा सकते हैं, या फिर आप 2 लाख के ऊपर की लगा सकते हैं, या 10 लाख के ऊपर की लगा सकते हैं। यहाँ आप देख लें आपके पास कितना पैसा है, उस ढंग से आप एप्लीकेशन लगाएं, क्योंकि अभी आईपीओ बहुत ज्यादा है। बिल्कुल क्लियर सुन लीजिए, रिटेल का पोर्शन 13 लॉट यानी कि 1,95,000 की एप्लीकेशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 लॉट यानी 15,000 की लगानी है, क्योंकि दोनों केस में आपको अलॉटमेंट बराबर ही आना है और उसी तरह से लॉटरी निकालनी है। जैसा मैं समझता हूँ कि ये लगभग 6 टाइम के आसपास हो सकता है ये इशू, तो 6 टाइम में से एक को मिलनी है, तो बेटर है आप 6-7 फैमिली मेंबर्स के नाम से 1,15,000 की एप्लीकेशन लगाइए, तो आपकी बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी होगी कि आपको एक अलॉटमेंट मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या माइनर की एप्लीकेशन कैसे लगाई जाती है? तो इसमें आप क्लियर सुन लीजिए, माइनर के केस में क्या होगा, आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना है, डीमेट फिजिकल खोलना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि इसमें हमारी टीम आपकी मदद करें तो नीचे कमेंट में एक नंबर दे रहा हूं राधिका का, उससे आप बात करें, वो आपकी फिजिकल डीमेट अकाउंट खोलने में मदद कर देगी। अब डीमेट अकाउंट खोलने के बाद में एक बैंक अकाउंट भी चाहिए, उसी बैंक में खुलवाइए जिसमें आपका यानी कि गार्जियन का अकाउंट हो। उससे क्या होगा, सेम कस्ट आईडी से आपका अकाउंट और आपके माइनर बच्चे का अकाउंट भी लॉगिन हो जाएगा और दोनों एप्लीकेशन लगा सकते हैं। कोटक बैंक में तो ये फैसिलिटी है, क्या आपकी बैंक में ये फैसिलिटी है या नहीं है आप चेक कर लीजिए, नहीं तो कोटक का अकाउंट तो मैं खुद यूज कर रहा हूँ। इस तरह से आप माइनर की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि माइनर का सपोज अलॉटमेंट आ गया तो बेचेंगे कैसे? इसमें बिल्कुल क्लियर है, माइनर का जो ट्रेडिंग अकाउंट खुलेगा जिस भी ब्रोकर के यहाँ खुलेगा उसके यहाँ माइनर का अलॉटमेंट बेच सकते हैं। माइनर के अकाउंट में परचेज सेल की ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लेकिन अलॉटमेंट बेचने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसमें अलॉटमेंट बेचेंगे, पैसा वापस माइनर के बैंक अकाउंट में आ जाएगा और उस बैंक अकाउंट से आप फिर से एप्लीकेशन लगाने के लिए या जो भी आप यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ मुझे लगता है कि मैं आपको क्लैरिटी दे चुका हूँ कि माइनर की एप्लीकेशन किस तरह से लगाई जाती है। एक क्वेश्चन आया था कि मेरे पास टाटा मोटर के 4 शेयर है, 50 शेयर है, 200 शेयर है, या 10,000 शेयर है, मुझे क्या अलॉटमेंट ज़्यादा मिलेगा क्योंकि मेरे पास 10,000 शेयर है? ऐसा कहीं कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चाहे आपके पास 1 शेयर हो, 50 शेयर हो, 4 शेयर हो, या 10,000 शेयर हो, आप टाटा टेक्नोलॉजी में एक ही एप्लीकेशन लगा सकते हैं, वो भी मैक्सिमम 1,95,000 की। जब समय अलॉटमेंट होगा उसमें यह नहीं देखा जाता है कि आपके पास 1 शेयर थे या 1,00,000 शेयर थे, आप दोनों बराबर कैटेगरी माने जाएंगे। इसलिए यदि आपके पास 1 भी शेयर है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपको इक्वल, इसे कहते हैं रियल डेमोक्रेसी, तो यहाँ यूज हो रही है, आपको इक्वल
चांस मिलेगा अलॉटमेंट लाने का। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि यदि आपके पास फंड्स की शॉर्टेज है तो आप अपने जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उनको लीन करवाकर आपकी बैंक से ओवरड्राफ्ट लिमिट ले लें। तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि हम ओवरड्राफ्ट लिमिट को कैसे यूज करें। देखिए, आपका जिस बैंक में भी सेविंग अकाउंट होगा, आजबा हमेशा सेविंग अकाउंट से लगती है और ओवरड्राफ्ट अकाउंट डिफरेंट खुलता है। सपोज आपका HDFC में अकाउंट है, HDFC में सेविंग अकाउंट है, एक्सिस बैंक या कोटक में सेविंग अकाउंट है या SBI में सेविंग अकाउंट है, उस अकाउंट में आपके पास क्लियर बैलेंस होना चाहिए जहां से आजबा लग सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्लियर बैलेंस कहां से आएगा, तो वो आप अपना पैसा डालिए या फिर उस बैंक में या किसी दूसरे बैंक में कोई डिफरेंट अकाउंट खोलें जिसका नाम होगा म्यूचुअल फंड लेस अकाउंट, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज अकाउंट, या जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ ओवरड्राफ्ट लिमिट लेंगे, परमानेंट लोन लेने की जरूरत नहीं है। जितने दिन पैसे की आपको जरूरत है उतने दिन के लिए पैसा यूज करेंगे, उस पैसे को उठाकर सेविंग अकाउंट में डालेंगे। सपोज इधर 11% इंटरेस्ट लग रहा है, सेविंग अकाउंट में 4% मिल रहा है, तो ये तो आपका मिलता ही रहेगा, प्लस आपको 4 या 5 दिन में अलॉटमेंट आ जाएगा। 4-5 दिन का जैसे ही अलॉटमेंट या रिफंड आया, आपने ये अलॉटमेंट, ये पैसा उठाकर वापस इधर डालना है। यदि अलॉटमेंट आ गया और तो आपको ब्रोकर के यहाँ सेल करके जब ब्रोकर से पैसा रिफंड आएगा तो अपने ओडी को क्लियर कर लेना है। इस तरह से आप परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए कि आप IPO में लगा सकें और आपके पास हमेशा लिक्विडिटी मेंटेन हो सके। आज जैसी सिचुएशन है वैसी सिचुएशन मैंने कभी नहीं देखी है। आप ये देखिए कि इस समय नो अपॉर्चुनिटीज है IPO इन्वेस्टर के लिए। मैंने आपसे कल भी कहा था कि IPO इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर होता है जो एक खेती की तरह काम करता है, एक फार्मर की तरह काम करता है, खेती करता है यानी कि IPO लगाता है, अलॉटमेंट आता है, फार्मर की तरह बाजार में जाता है और बेच देता है, बस यही आपको काम करना है। तो इस समय नो अपॉर्चुनिटी है। आप कहेंगे कैसे, इशू तो 6 ही चल रहे हैं। जी हाँ, 6 इशू जिसमें IRDA, टाटा, गांधार, फेड बैंक और फेयर राइटिंग, ये तो वो इशू हो गए जो मेन बोर्ड के इशू हैं, तो ये हो गए 5। छठी अपॉर्चुनिटी है रॉकिंग डील्स, ये एक नया इशू आ रहा है SME का है और 22 से 24 के बीच में है, तो ये 6 अपॉर्चुनिटी तो ये हो गई। 7वीं अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, टाटा का शेयर होल्डर कोटा। 8वीं अपॉर्चुनिटी बाईबैक TCS और 9वीं अपॉर्चुनिटी आप ये देखेंगे GNFC बाईबैक। तो ये 9 अपॉर्चुनिटी सारी की सारी 20 से 25 तारीख के बीच में। ऐसे केस में आपको दिक्कत आ सकती है कि फंड्स कहाँ हो, यदि आप पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास तैयार होता और आपकी ओडी लिमिट्स होती तो आप आराम से इसको यूज करके इसको एंजॉय कर सकते थे और ब्याज कितना सा लगना है। यदि आप इस समय शेयर बाजार में किसी के पास पैसा लेने जाएं तो 3% पर डे में भी पैसा मिलने वाला नहीं है जो शेयर बाजार का आदमी है, क्योंकि उसको पता है कि उसको कितना रिटर्न मिल रहा है। बस आप ये ध्यान रख लें, ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी कभी आती है तो आप मैक्सिमम डीमैट अकाउंट यूज करें और मैक्सिमम पैसे की लिमिट बना के रखें जो कभी भी IPO में आपके काम आ सके। और भी यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप डालिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप जो रियल इन्वेस्टर हैं उनसे रियल बात की जाए, सिर्फ कैंडलस्टिक करके कुछ भी पैसा बचने वाला नहीं है। आपका पैसा यदि लॉन्ग रन में बचेगा तो सिर्फ और सिर्फ IPO से बचेगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यदि आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, उससे लिंक से डीमैट अकाउंट खोलिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।